नमस्ते दोस्तों, क्या हाल है आपके। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफलाइन विद सिल्वी। और आज हम बनाएंगे काबुली चना। आइए जानते हैं हमारी बनाने की विधि से पहले इसके इंग्रेडिएंट्स। हमें चाहिए होंगे काबुली चने 225 ग्राम, साथ में चाहिए होगी चने की दाल 25 ग्राम, 10 से 12 कलियां लहसुन की, 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का, साथ ही साथ हम लोग इसमें डालेंगे 4 छोटी प्याज, 2 बड़े टमाटर, 2.5 से 3 चम्मच साबुत धनिया, 2 चम्मच जीरा अनारदाना, 1 काली इलायची मोटी इलायची, 1/2 इंच का टुकड़ा, 1 इंच का टुकड़ा आपका दालचीनी का, 4 से 5 लौंग, 2 छोटी इलायची, तेजपत्ता, और हमें सर्व करने के लिए चाहिए होंगे धनिया, हरी मिर्च और जूलियंस में कटा हुआ थोड़ा अदरक, और हमें चाहिए होगा 1.5 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच काली मिर्च और 1/2 चम्मच लाल मिर्च। अपने अपने हिसाब से इसे बदल सकते हैं क्वांटिटी को। काबुली चने की बनाने की विधि सबसे पहले स्टार्ट होती है इसको ओवरनाइट भिगोने के लिए। हमने जैसे के लिए थे 225 ग्राम चना, 25 ग्राम आपकी थी चने की दाल, तो हम इसे 750 ml पानी में, इसे 1 चम्मच नमक, जौन सा मैंने 1.5 चम्मच बताया उसमें से 1 चम्मच नमक इसमें चला जाएगा, और 1 चम्मच ऑयल के साथ इसको हम ओवरनाइट रहने देंगे विदाउट हल्दी, और फिर सुबह में इसको पहले हम दिलाएंगे 4 विसल। बिल्कुल हमें डायरेक्टली इसे विसल के साथ ही 4 विसल दिलानी है, और फिर साथ में ही अब बनाते हैं इसका मसाला। सबसे पहले हम गरेंगे एक पैन, और हमें ड्राई रोस्ट करने हैं अपने मसाले, साथ ही ये हमारे साबुत मसाले और साथ में धनिया, इसे हमने सबको ड्राई रोस्ट करना है हल्का कलर चेंज होने तक। हमें इनको अच्छा कलर देना है। ड्राई रोस्ट जैसे ही होंगे हम इन्हें हमें ग्राइंड कर लेना है। अब ये देखिए 5 से 7 मिनट बाद इनका कलर चेंज हो गया है। बस अब हमें इसे दरदरा पीस लेना है अपनी मिक्सी के अंदर। बस अब इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा ठंडा करने के बाद इसको पीस लेंगे। तो आइए बनाते हैं इसका प्याज लहसुन अदरक का मसाला, जिसमें हम इसे ऐड अप करेंगे। हमें पहले अपना एक पैन लेना है जिसमें हमें ऑयल डालना है 1 कड़छी के करीब, और इसे हमें गर्म होने देना है। हम सबसे पहले मैंने यहाँ पे चॉप किया हुआ लहसुन अदरक डाला है, ग्रेट किया हुआ, अब ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं, और इसे हम अच्छा स्टर देंगे और इसका गोल्डन तक चेंज होने तक, गोल्डन कलर होने तक इसको पकाएंगे। हमें इसका सिर्फ कलर चेंज करना है, थोड़ा गोल्डनिश करना है। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया। अब हम डालेंगे अपने प्याज, ये भी मैंने ग्रेट किया हुआ डाला है, गिव इट अ गुड स्टर। स्टर करने के बाद हमें इसे गोल्डन करना है, और साथ ही इसका जब तक घी छोड़ा जाता है, तो इट विल टेक लाइक 3 से 4 मिनट। ये देखिए अब हमारा प्याज घी छोड़ गया है। डालेंगे टमाटर, जिसमें मैंने अपनी हरी मिर्चें जो साबुत वाली थी 4 हरी मिर्चें उनको मैंने पीस लिया है। साथ के साथ मैं अपने ये मसाले डालूंगी, और इसे हमें भून लेना है और घी छोड़ने तक करना है, और जैसे ही घी छूटेगा तो हमने जो मिक्सी में किया हुआ अपना मसाला है वो ऐड कर देंगे। दोस्तों ये 4 से 5 मिनट में मेरा घी छोड़ गया है, टमाटर भी। अब हम ये हमने मिक्सी में जो मसाला किया था वो ऐड अप कर देंगे। अनारदाना खट्टापन देगा हमारी डिश में, और जीरा हुआ भुना हुआ जीरा वगैरह बाकी फ्लेवर देगा, स्पाइसीनेस देगा। बट मैं बताना चाहूँगी कुछ भी मैं जो रेसिपीज बनाती हूँ मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाती, मैं बनाती हूँ मीडियम टेस्ट का, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं नमक मिर्च वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको उससे कम देखना हो या ज़्यादा लेना हो तो। ये देखिए अब मसाले ने हमारी साइड्स छोड़ दी हैं, तो हमारा मसाला रेडी है। अब देखते हैं, चेक करते हैं हमारे चने खोल के कुकर को। एक चने का हम पीस लेंगे,
और इसे हम दबा के देखेंगे। ये देखिए पूरा दब रहा है। बस हम इसे अच्छे से चलाएंगे, थोड़े इतने हम थोड़ा मैश कर लेंगे कटोरी में और अपने चनों में वापस डालेंगे ताकि ये हमारा गाढ़ापन भी आ जाए ग्रेवी में। ये देखिए मैंने आधी कटोरी चने अपने मैश कर लिए हैं स्पून से कटोरी में ही। मैं इसको ऐड अप करूंगी और अपना मसाला भी ऐड करूंगी। इसमें हम अपना सारा मसाला डाल देंगे जो हमने बनाया है। अगर आपको लगता है आपके चने अभी कच्चे हैं, थोड़े से अभी उनमें कसर बाकी है, तो आप उन चनों को मसाला डालने से पहले, प्लीज़ ये नोट कीजिए, मसाला डालने से पहले एक से दो विसल और दिला सकते हैं। सिम सेक में ढककर कम से कम 5 से 7 मिनट रहने देना है ताकि सभी मसालों का टेस्ट चने में आ जाए। लीजिए तैयार है हमारे खट्टे वाले काबुली चने। आप इसे सर्व कर सकते हैं अपनी फेवरेट चटनी के साथ, प्याज और फेवरेट ब्रेड के साथ। अगर आप जानना चाहते हैं भटूरे की रेसिपी तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को, तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगी भटूरे का भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रॉम आपकी दोस्त।